हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं संतोष कुमार, हॉस्पिटैलिटी ट्रेनर, आप सबका बहुत ही स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हॉस्पिटैलिटी क्लासेस में। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे आपको, जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट। आपने यहां पे देखा होगा, ये घड़ी का हमने पिक्चर लगाया है। इसके आसपास में काम, जैसे हमारा रोज़ हम काम करते हैं तो अलग अलग काम होते हैं, बट अगर हम टाइम मैनेज करके उस काम को नहीं करें तो कुछ ना कुछ छूट जाते हैं। तो वही चीज़ें आज आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में, कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है, क्या क्या फ़ायदे हैं टाइम मैनेजमेंट के, क्या टेक्निक्स यूज करते हैं, और एक अच्छा टाइम मैनेजर में क्या क्वालिटी होते हैं, और लास्ट में आपको टिप्स भी बताऊंगा जो आप ध्यान में रख के अपने टाइम को सही से मैनेज कर सकते हो। और हमने जो लास्ट वीडियो में देखा आपने, स्ट्रेस मैनेजमेंट या फिर एंगर मैनेजमेंट, वो सब चीज़ें यहीं से निकलती है। अपना आपका काम अगर सही से नहीं टाइम मैनेज करके करते हो, कुछ शाम बच जाती है तो वो स्ट्रेस लाती है, वो एंगर लाती है आपके अंदर, तो वो सब चीज़ें यहीं से निकलती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, तो प्लीज़ पूरा वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो वीडियो है टाइम मैनेजमेंट, टाइम को कैसे मैनेज करें अपने डेली लाइफ में। आप अगर वर्किंग पर्सन हो तो वर्क पे, या फिर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के लिए भी होता है कि आप कैसे अपना होमवर्क पूरा करें, या कुछ भी घर में हाउसवाइफ हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि हाँ वो अपने घर का काम कैसे मैनेज करें। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। तो क्या होता है टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग योर टाइम एंड डिसाइडिंग हाउ टू एलोकेट योर टाइम बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज। टाइम मैनेजमेंट एक प्रोसेस है अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करने का, टाइम को सजाने का, कैसे सजा के आप उस टाइम का यूज करते हो, एंड डिसाइडिंग और डिसाइड करने का हाउ टू एलोकेट योर टाइम, अपने टाइम को कैसे किस हिसाब से आप एलोकेट करते हो, किस काम के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज में दिन भर में जो जो अलग अलग काम करते हो वो अपने टाइम को कैसे कैसे उसको एलोकेट करके डिसाइड करके अपने काम को पूरा करते हो, सजाते हो, टाइम मैनेजमेंट उसी को बोला जाता है। ठीक है, आगे है बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। देखिए कि अगर आप टाइम मैनेज करेंगे, टाइम मैनेज करके आप अगर अपना काम करेंगे दिन भर का, तो क्या क्या फायदे होंगे आपको वो देखिएगा अभी। टाइम मैनेजमेंट कैन लीड्स टू ह्यूज बेनिफिट्स, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देता है टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। आप मान लो टाइम मैनेज नहीं करके आप मान लो दिन भर में 10 चीज़ें बना रहे हो घर में, लेकिन अगर टाइम मैनेज करके उसको करोगे तो मे बी 12 बन जाएंगे, 11 बन जाएंगे, तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगा। आप मान लो दिन भर में एक बुक के 10 पेज पढ़ते हो, लेकिन अगर टाइम मैनेज करके बढ़िया से उसके टाइम निकाल के पढ़ोगे, अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं करोगे इधर उधर, सही से ध्यान लगा पढ़ोगे तो मे बी वो 12 पेज पढ़ लो आप। ठीक है, और क्या होता है, बेटर प्रोफेशनल रेपुटेशन। अगर आप सब काम मान लो कहीं वॉक कर रहे हो, आप वहाँ पे अच्छे से टाइम मैनेज करके सारे काम खत्म कर रहे हो, तो क्या होगा, वहाँ पे आपका रेपुटेशन बढ़िया बनेगा, आप एक अच्छा प्रोफेशनल कहलाओगे, सबके नज़र में बढ़िया कहलाओगे, अपने बॉस के नज़र में या फिर अपने कलीग्स के नज़र में अच्छा कहलाओगे कि ये बंदा बहुत बढ़िया अपने टाइम मैनेज करके सारे काम खत्म करता है। उसके अलावा स्ट्रेस कम करोगे, जैसा मैंने बताया आपका तनाव कम होगा अगर सब काम खत्म होगा टाइम से। ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू अचीव गोल, जो भी आपका गोल है लाइफ में अगर सही से आप टाइम को हिसाब करके टाइम को सजा के काम करते हो तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके गोल अचीव होने में। ठीक है, अब हम बताएंगे अगर आप टाइम मैनेज नहीं करोगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा। नॉट मैनेजिंग टाइम कैन रिजल्ट, क्या रिजल्ट निकल जाएगा अगर आप टाइम मैनेज नहीं करते होंगे। देखिए, मिसिंग डेडलाइंस, मतलब मान लो एक काम आपको बॉस दिया करने के लिए, उसका डेडलाइन है कि 2 दिन में करके दो, लेकिन अगर टाइम मैनेज करके नहीं करोगे तो मे बी वो 3 दिन लग जाए, 2.5 दिन लग जाए, तो उससे आपका प्रोफेशनल रेपुटेशन खराब होगा उनकी नज़र में, उनको लगेगा कि ये बंदा टाइम ध्यान से काम नहीं करता। उसके अलावा सब स्टैंडर्ड वर्क क्वालिटी, तो क्या होगा आपका वर्क का क्वालिटी गिर जाएगा। आप मान लो काम कर रहे हो लेकिन आप देख रहे हो कि लास्ट में हमारा बहुत सारा काम बच गया है, तो उस समय क्या करोगे आप, आपका क्वालिटी, आप जल्दी जल्दी कचर में 1-2 गलतियां कर दोगे तो क्वालिटी गिर जाएगी।
उसके अलावा इन सब पीटीएम वर्क आउटपुट, मतलब जैसे उसमें था कि ग्रेटर प्रोडक्टिविटी था जब आप टाइम मैनेज करके ज़्यादा काम करोगे, लेकिन इसमें क्या होगा, आपका काम कम हो जाएगा। मे बी आप जिस दिन एक घंटे में 10 पेज पढ़ना है उसमें 8 ही पढ़ पाओगे। उसके अलावा पुअर प्रोफेशनल रिपोर्टेशन, उसके अलावा अब हम देखेंगे ट्रेट्स ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजर, एक बढ़िया टाइम जो मैनेज करने वाले लोग होते हैं उनमें क्या क्या गुण होते हैं, क्या वो ध्यान में रख के काम करते हैं कि उन वो बढ़िया कहलाते हैं। तो क्या करते हैं, दे बिगिन प्रोजेक्ट अर्ली, सिंपल, वो अपना काम जल्दी शुरू करते हैं। बहुत लोग होता है कि उनको बॉस ने काम दिया आधे घंटे का और टाइम दे दिया एक घंटे, तो उनको लगता है अरे आधे घंटे का काम है, पहले आधे घंटे टाइम पास करते हैं बाद में आधे घंटे काम कर लेंगे। बट जो अच्छा वाला टाइम मैनेज करके काम करने वाले लोग होते हैं क्या सोचते हैं, पहले हम आधे घंटे उस काम को कर लेते हैं, लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो एंजॉय करेंगे, वो ये ध्यान में रख के काम करते हैं। उसके अलावा दे मॉडिफाई प्लान इफ रिक्वायर्ड टू अचीव बेटर रिजल्ट, वो अपने प्लान को मॉडिफाई करते हैं, चेंजेस करते हैं वो अच्छा रिजल्ट अचीव करने के लिए। उसके अलावा दे इन्फॉर्म पीपल इन एडवांस इफ देयर हेल्प विल बी रिक्वायर्ड, वो अगर उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो पहले से बताते हैं कि मुझे हेल्प चाहिए। ऐसा नहीं कि जो टाइम मैनेज नहीं करते वो क्या करते हैं कि वो बाद में देखते हैं कि अब एकाएक ज़रूरत पड़ गया जाके बोलेंगे, मैं भी आपका हेल्प नहीं करें, लेकिन अगर आप पहले से बता दोगे तो आपका हेल्प करेगा। उसके अलावा दे नो हाउ टू से नो, उनको पता होता है कि नहीं कैसे बोला जाता है, कि अगर किसी को हम काम कर रहे हैं कोई आ रहा है बीच में हमें डिस्टर्ब करने, तो उनको पता होता है कि उसको ना कैसे बोले वो दुखी भी ना हो। उसके अलावा दे कंटिन्यूली रिव्यू लॉन्ग टर्म गोल, ये बार बार अपना गोल देखते हैं कि गोल अचीव हो रहा है कि नहीं, कितना काम हुआ क्या हुआ वो ध्यान में रखते हैं। दे आस्क फॉर हेल्प व्हेन रिक्वायर्ड, वो जब भी ज़रूरत हो हेल्प के लिए आगे बोल देते हैं, ऐसा नहीं कि हम सोचते अपने घमंड में रहते हैं नहीं हम कर लेंगे हमारे पास इतना, नहीं भाई ज़रूरत है तो बोल दो, ऐसे लोग बढ़िया टाइम मैनेजर होते हैं। उसके अलावा दे क्रिएट बैकअप प्लान, वो अपना बैकअप प्लान भी बना के रखते हैं कि इस तरीके से काम कर रहे हैं अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर उसके लिए उनका बैकअप प्लान भी होता है कि हम उस टाइम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, अब हम बताएंगे कि टेक्निक्स क्या यूज करते हैं, जो अगर आपको एक अच्छा टाइम मैनेजर बनना है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा इफेक्टिव रखना है, तो क्या क्या टेक्निक्स हो सकते हैं। तो सम हेल्पफुल टिप्स आर, क्या होगा, प्लान आउट योर डे एज वेल एज प्लान फॉर इंटरप्शन। अपना प्लान आउट योर डे मतलब अपने दिन का क्या करें, प्लान करें, और खाली काम का प्लान नहीं करें, इंटरप्शन का भी प्लान करें, कि अगर हम काम कर रहे हैं प्लान कर लिए कि ये काम कर रहे हैं, अब दिन भर में क्या क्या हमें इंटरप्शन आ सकती है, किस किस से बाधा पहुंच सकती है हमारे काम में, तो उसके लिए बैकअप प्लान बना के रखोगे आप जब इंटरप्शन आप प्लान करोगे। मान लो हम यहाँ काम कर रहे हैं, मैं भी फ़ोन आ गया तो मुझे 10 मिनट लग गया, मम्मी का फ़ोन आ गया 10 मिनट लगेगा, तो 10 मिनट कैसे मैनेज होगा, तो इसलिए इंटरप्शन आपको इंटरप्शन का भी प्लान करके रखना पड़ेगा। उसके अलावा पुट अप ए डोंट डिस्टर्ब साइन व्हेन यू एब्सोल्युटली हैव, अगर आपको कोई बहुत ही अर्जेंट काम करना है तो उस समय डोंट डिस्टर्ब का साइन लगा के रखें, लाइक अपने घर के बाहर गेट के बाहर लगा दें, फ़ोन में भी DND लगा के रखें कि उस समय फ़ोन आके डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि आजकल देखे तो फ़ोन सबसे बड़ा जरिया है डिस्टर्ब करने वाला, आप कोई भी काम कर रहे हो फ़ोन से ज़्यादा कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करता आजकल, तो ठीक है तो फ़ोन को भी डोंट डिस्टर्ब लगा के आप काम करो तो आपका पूरा हो सकता है। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स में और है जिसमें चूज योर माइंड टू ऑल डिस्ट्रक्शन, क्लोज योर माइंड टू ऑल डिस्ट्रक्शन, सॉरी मतलब जितने भी आपको डिस्ट्रक्शन आ रहे हैं आप काम कर रहे हो उसके लिए आप अपना माइंड क्लोज करो, लाइक फ़ोन बंद कर दो, या फिर जो जो प्रॉब्लम आनी है सबको पहले बता दो कि इतना देर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा तो काम आप जल्दी कर पाओगे। उसके अलावा डेलीगेट योर वर्क, अपने काम का डेलीगेट करके अलग अलग बांट के रखो कि मैं 1 से 2 ये काम करूँगा और 2 से 3 ये काम करूँगा, ठीक है तो आप बढ़िया से अपना काम ख़त्म कर पाओगे। स्टॉप प्रोकास्टिनेटिंग, अपना मतलब बोलते हैं ना कि वो किसी को दुखी दुख मत सुनाओ कि हम ऐसे करेंगे, ये प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्यूशन निकालो, प्रोकास्टिनेटिंग करने से कुछ नहीं होगा, तो स्टॉप उसको स्टॉप करें। प्रायोरिटाइज योर टास्क, अपने काम का प्रायोरिटाइज करें, मतलब जो अर्जेंट है उसको पहले करें,
जो कम अर्जेंट है उसको बाद में करें, जो एकदम नहीं अर्जेंट है उसको लास्ट में। ऐसे प्रायोरिटाइज करिए जो कौन सा पहले करना चाहिए हमें, कौन सा जरूरी है। मेंटेन ए लॉग ऑफ योर वॉक एक्टिविटी, जो भी कर रहे हैं उसका लॉग बनाइए कि हमने ये खत्म कर लिया, ये करना बाकी है, उसका लॉग लिख के रखेंगे तो जल्दी एक बार ध्यान लाएंगे वो लिखे हुए चीज पे तो जल्दी माइंड उसको कैच करता है। उसके अलावा क्रिएट टाइम मैनेजमेंट गोल टू रिड्यूस टाइम वेस्टेज, अपना गोल बनाइए कि हम ये 5 घंटा बैठ रहे हैं तो 5 घंटे में इतना काम कर लेंगे, एक गोल बन गया कि इतना काम खत्म करना है, तो आप वेस्टेज नहीं करोगे अपने टाइम को। ठीक है, तो ये था इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। ये टेक्निक्स यूज करके आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। ये बहुत ही लास्ट वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टिप्स बताएंगे क्या क्या ध्यान रखोगे, तो ये सब चीजें टेक्निक्स आप इजीली यूज कर सकते हो अपने डेली लाइफ में। तो टिप्स में क्या आएगा, ऑलवेज कंप्लीट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फर्स्ट। पीछे भी बताया, जो भी जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है आपका, उसको पहले कंप्लीट करें। ये सबसे बढ़िया टिप्स है। नेक्स्ट है 7-8 घंटे सोए, जबकि सो आपका नींद पूरा नहीं होगा तो आप कुछ भी टेक्निक पे काम नहीं कर पाओगे, इसलिए 7-8 घंटे बढ़िया से गहरी नींद सोए। उसके अलावा स्टार्ट योर डे अर्ली, मॉर्निंग जल्दी शुरुआत करें अपने काम को, बाद के मत छोड़े। अब सुबह उठे देखे कि अरे आज तो 5 घंटे का काम है तो लास्ट में हम शाम को कर लेंगे, 3 बजे से बैठेंगे 8 बजे तक खत्म, तो वो आप दिन भर काम टाइम वेस्ट कर दिया। तो मे भी आप सुबह 6 से 11 कर लो ना, 11 के बाद फ्री हो जाओ। तो कोई भी काम पहले करें अगर काम है तो, बाद में इंजॉय करें। नेक्स्ट है डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट डिटेल, कुछ भी छोटा डिटेल या जो इम्पोर्टेंट नहीं है उस डिटेल में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करें। बहुत लोग होता है कि एक छोटा चीज़ में फंस गए, वो नहीं समझ में आ रहा तो उसी पे टाइम लगा रहे हैं, यहाँ ढूंढ रहे हैं वहाँ ढूंढ रहे हैं, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ देना, बाद में देखिएगा, पहले अभी जो टाइम वेस्ट करो उसमें काम कर लो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट सेट ए टाइम लिमिट फॉर एवरी टास्क दैट यू विल बी अंडरटेक, जितने भी काम है आपको उसके लिए टाइम लिमिट बने, ये काम को मैं 10 मिनट में करूँगा, इस काम को मैं 1 घंटे में करूँगा। तो जब आप ये टाइम का लिमिट का वो सेट करेंगे ना, तो क्या होगा, आपको ज़्यादा लगेगा तो लगेगा कि हम टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो मान लो 10 मिनट आपने दिया तो मैं 15 मिनट लग जाएगा, लेकिन एक 10 मिनट में आपके माइंड में वो चीज़ें आएंगी कि 10 मिनट में इसको ख़त्म करना है, तो आप सब चीज़ें से माइंड अपना डाइवर्ट करोगे और ख़त्म करोगे। ठीक है, गिव योर सेल्फ सम टाइम टू अनवाइंड बिटवीन टास्क, जब भी काम करें तो अपने आप को भी थोड़ा टाइम दे, थोड़ा फ्री हो, थोड़ा इधर उधर टहल ले कि आपका माइंड भी साफ हो जाए। ज़्यादा एकाएक काम करते रहो तो माइंड भी ब्लैंक हो जाते हैं, तो उस समय अपने माइंड को फ्रेश भी रखें, थोड़ा थोड़ा 1-2 घंटे में 5-5 मिनट का ब्रेक भी लें, मतलब यही होता है। ठीक है, तो ये टिप्स था, होप आप ही अपने लाइफ में यूज करके अपने टाइम को मैनेज करके और अपना काम करेंगे। होप इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा होगा, हम आशा करते हैं आपको फ़ायदा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ और भी वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।